बिहार की राजनीति में लंबे अरसे से लग रहे कयासों पर मकर संक्रांति के दिन विराम लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे थे कि 14 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा खेल खेलेंगे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन महागठबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का नजारा पूरी जनता ने देखा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह नीतीश बाबू के साथ मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 10 मिनट तक राबड़ी देवी के आवास पर रहे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस मौके पर नीतीश कुमार के बगल में बैठे नजर आए। साथ ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगवानी करते नजर आए। इस भोज ने बिहार की राजनीति में चल रही तमाम तरह की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। वहीं बीजेपी के नेताओं को भी इस भोज से गहरा धक्का लगा है। साफ है कि नीतीश बाबू अब आरजेडी के साथ संबंध को तवज्जो दे रहे हैं और अब बिहार में किसी भी तरह की राजनीतिक उलटफेर की संभावना खत्म हो गई है। वहीं नीतीश बाबू के करीबी अशोक चौधरी ने साफ कर दिया कि आरजेडी और जेडीयू में मधुर रिश्ते हैं। चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला भी सुलझा लिया जाएगा। बुलाया गया था, पहले भी दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ है। हमारे यहाँ हम लोगों के नेता प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू बहुत लंबे समय से करते रहते थे और हर साल उनके यहाँ दही चूड़ा होता था, सब लोग जाते थे। बट इस अब उनके अस्वस्थता के कारण उस बार नहीं किए हैं। लालू जी हर साल दही चूड़ा करते रहे हैं, होली, दिवाली, छठ, दही चूड़ा, तो बड़े शौक से लालू जी हर साल करते हैं। इस बार भी हम लोगों को आग्रह किया, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने फ़ोन किया था दूरभाष पर। तो निश्चित रूप से पिताजी के साथ राजनीति किए हैं, बड़े नेता हैं, बड़े अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद आज के दिन सबको मिलना चाहिए, तो हम लोग आए उनसे आशीर्वाद। 16 दिनों से ये बात उठ रही थी कि लालू यादव नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है, कन्वेनर को लेकर भी नीतीश कुमार ने मना कर दिया, कैसे देखते हैं ये? देखिए ऐसा है ना कि अब इतना ना इलेक्ट्रॉनिक चैनल आ गए हैं और इतना पोर्टल आ गया है और सब कुछ 24 घंटा चलना है और उसका TRP पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ सनसनी बना के रखना है कि व्यूअर जो है TV पर लगा रहे, नहीं तो आपका इनकम कम हो जाएगा, TRP पकड़ेगा, ऐड कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, इसलिए आप लोग सनसनी फैलाए रहते हैं। ये सब मीडिया का गालमेल है। बंटवारे को लेकर मानते हैं सारी चीजें ठीक है? महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ा एक्सरसाइज है। जब जब अलायंसेस की राजनीति होती है, सीट बंटवारा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है, बट जब मन साफ होता है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी से बाहर निकला जाता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। 2020 में जब महागठबंधन बना था, कांग्रेस, RJD और जदयू था, तो 15 दिन चला था गठबंधन के लिए सीटों का, लेकिन डिले हो रहा है और ये तो पूरा नेशनल है, देश स्तर पर डिले हो रहा है, जल्दी से जल्दी हो जाना। नीतीश बाबू ने BJP नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, साथ ही एकजुट इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में BJP को करारी शिकस्त देगी, क्योंकि रोजगार, जातीय गणना और आरक्षण के मोर्चे पर नीतीश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, इसलिए बिहार में इस बार BJP को करारी शिकस्त मिलना तय है। पंजाब की CTV के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।